हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं नाश्ता करने जा रही हूँ और लाइट फिलहाल चला गया है। तो आज है नाश्ते में आलू की सब्ज़ी और पूरी, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, ऑल टाइम माय फेवरेट। और हॉस्टल में जब थी तो मॉर्निंग में हमें ज़्यादातर आलू और पूरी की सब्जी ही मिलती थी, आलू की सब्ज़ी और पूरी मिलती थी, तो मुझे तो बहुत पसंद है। और आप में से किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे मम्मी आ चुकी हैं और अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बांध रही हैं पत्ते में, तो मैं आपको बता दूँ कि इसको बंगाली में बोलते हैं फ़िश भापा। इसमें क्या होता है, फ़िश को जैसे नॉर्मली हम फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, तो इसमें क्या होता है, फ़िश को मतलब जो सारे मसाले यूज़ होंगे उस मसाले में अच्छे तरीके से उसको मिक्स करके इन्हीं पत्तों में आप उसे क्या करना है, उसको कवर करके उसको ऐसे पैक कर देना है और ऊपर से बांध देना है ताकि मतलब बाहर ना आए वो। और इसे हम स्टीम करेंगे। इसमें जो बेसिकली जो प्रोसेस होता है इसको बनाने का, वो स्टीम के ज़रिए होता है, ये सिर्फ स्टीम के ज़रिए ही पकेगा, बस ऐसे ही। तो अब हम इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइस कुकर में नीचे जो है चावल हो रहे हैं और ऊपर हमने इसको सेट कर दिया है, उसी के भाप से जो भी उसमें स्टीम निकलेगा उससे वो अपने आप होता रहेगा। और यहाँ पे मम्मी उसके कुछ पत्ते बच गए थे तो उसको अब काट वाट के, किस किसने इस पत्ते के पकौड़े खाए हैं और इसका नाम क्या है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे इसे शायद घुइया के पत्ते बोलते हैं, घुइया के पत्ते, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ऐड करिए मम्मी प्याज, ज़ीरा, हल्दी और थोड़े से मसाले। और ये जो डाल रही हैं ये है चावल और दाल का पेस्ट, जो कि थोड़ा सा पतला हो गया है, तो कोई बात नहीं, इसको कम क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। और साथ में थोड़ा सा बेसन ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से इसलिए मैश किया जा रहा है हाथ से, क्योंकि पत्ते बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं है, इसलिए मम्मी थोड़ा सा इस तरह से मैश कर रही हैं ताकि जब हम इसे खाएं तो एकदम खड़े खड़े ना रहें, मुँह में ना आए। और ये एकदम तैयार हो चुका है, अब ये तैयार है एकदम तेल में जाने के लिए, डीप फ्राई होने के लिए। तो देखते हैं कैसा लगता है, कैसा टेस्ट होता है। बस ये एक, ये पत्ते कभी कभी होता नहीं गला पकड़ लेते हैं, मीन्स पता नहीं क्या होता है, मीन्स गले में थोड़ा सा ऐसे अजीब सा होने लगता है, तो पता नहीं इसमें क्या होगा। बाकी इसमें नींबू ऐड कर दिया गया है जिससे कि इसका थोड़ा सा वो तीतापन खत्म हो जाए और गला ना पकड़े। तो देखते हैं, अभी मम्मी इसको बना रही हैं, खाने के बाद पता चलेगा कि क्या इसका रिएक्शन होता है। तो अब ये निकल चुके हैं और एकदम तैयार हैं, तो गर्मा गर्म काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अब मैं इसको अपने लिए एक निकालूंगी प्लेट में और उसको खा के मैं आपको बताती हूँ कि ये सच में मतलब गला पकड़ रहा है या नहीं। तो मैं अभी यहाँ इसको अंदर ले आई हूँ और मैं इसको टेस्ट करने वाली हूँ। मुझे बाकी तो सब बढ़िया है। मम्मी वैसे पकौड़ी बहुत अच्छा बनाती हूँ, अच्छी पकौड़ी एक नंबर बनाती हैं। गरम गरम मज़ा आ रहा है खाने में, चाय के साथ और मज़ा आता है, बट मैं तो सुबह ही नाश्ता कर चुकी हूँ। आज मेरी किचन से छुट्टी है, आज मम्मी खाना बना रही हैं, मैंने बस थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करके थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, बाकी वही सब करनी है क्योंकि मुझे बंगाली खाना उतना अच्छे से बनाना नहीं आता है। तो अभी उन्होंने पकौड़ी बना लिया और अभी एक तरफ हो रहा है फिश भापा और यहाँ पे हो रहा है फ़िश करी के लिए फ़िश फ्राई। तो मम्मी उसे फ्राई कर रही हैं और आज जो है दो तरह का फिश बन रहा है, एक फिश भापा और एक फिश करी। नहीं देखो आई तो जानी और कम ब्लास्ट हो गई है, क्या मैं तेल से पहले मतलब ठीक है, हमें ही बोल बोलो कैसे खाना इसमें गर्म हो जाएगा पागल। हां तार की नहीं, इलेक्ट्रिक वाला है, इसमें खाना अपने आप गर्म हो जाएगा। खोले तो ना बाप रे, और
और ये बस खाने के लिए ही दुनिया में आया है, बस खाना ना मिले तो ये पागल हो जाता है, पागल समझ सकते हैं आप। और यहाँ पे जो है फिश भापा रेडी है, तो अब इसको पापा निकाल रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी गर्म है, तो मेरे यहाँ गर्म कोई भी चीज़ होता है उसको पापा ही निकालते हैं। तो अब ये जो हमने उस पर धागा बांध दिया था, तो अब उसको कट करके अलग कर देंगे। तो पापा उसको निकाल रहे हैं और यहाँ पे मम्मी इसको प्लेट में रख रही हैं। तो हम चार लोग थे तो सबके लिए एक एक पोटली बना था, तो यहाँ पे मम्मी खाना निकाल रही हैं सबके लिए, और अब इसको हम टेस्ट करने वाले हैं कि कैसा क्या है। तो आप में से कितने लोगों को इस फिश पापा के बारे में पता था, जो बंगाली ऑब्वियसली उनको तो पता ही होगा। खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा रील्स रील्स बनाने लगी थी मैं, और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। तो मैं अपनी चाय की पोटली, मतलब शाम का चाय वाय लेके जा रही हूँ, और उसके बाद देखते हैं वहाँ पे क्या क्या काम बढ़ा है। तो लॉक ऑफ करके फिर मैं निकलूँगी यहाँ से। चलिए देखते हैं और काम क्या क्या हुआ है वो भी देखते हैं, वो भी आपको दिखाऊँगी। लाइट्स तो बंद करना भूल ही गई मैं। तो बाहर इतना अंधेरा है, चलते हैं घर में देखते हैं क्या क्या हुआ है। मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो दीवार है वो तोड़ दिया गया है, और फिर से ये दीवार फिर से खड़ा हुआ है। मतलब आप सोच सकते हैं, आप एक बार तोड़ा गया है और आज फिर से खड़ा किया गया है ये दीवार। तोड़ो फिर एक बार बनवाओ, बस यही काम बचा है।